सो हे हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत आप सभी एक नए एपिसोड में, एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तो भाई लोगों, आज जैसे कि कल मैंने बोला था, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, इसमें काफ़ी हद पेन हो रहा है, ये मुड़ ही नहीं सकता है भाई पैर। और ऊपर से एक मैंने ऊपर से पजामा पहन लिया, इसकी वजह से जो है ये टाइट हो गया यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं। तो अभी रखने के लिए तो कुछ नहीं है, बट ब्रेक वाला जो है, ओह, इस पर हमने पैर रख दिया है। और हमारे छोटे भैया बोल रहे हैं कि हम चला लेंगे, लेकिन नहीं भैया, आप बच्चे हो अभी, बाइक हम ही चलाएँगे। तो अभी इस पर पैर तो रख लिया, चलो अब चलते हैं मस्त। भाई लोग, मुझे ना एक मस्त चीज़ मिली है, ओला वाला जो स्कूटर है ना, वो वाला। तो भैया से ना आज बात बात करते हैं थोड़ी सी। और भैया यार, कितनी 80 की स्पीड चल रही है बताओ यार, ये स्कूटर देखो भाई लोग। अंकल जी, एक बार चार्ज करने के बाद कितने किलोमीटर चलता है ये? 150 किलोमीटर। कितनी स्पीड से भाई, कितनी स्पीड से चलता है? मतलब कितनी स्पीड पर चलाने पर 150 किलोमीटर चलता है? 150 तो यार नॉर्मल चलाए हैं। कितनी स्पीड जाती है हाईएस्ट कितनी स्पीड जाती है? स्पीड से चलना थोड़ा है, चलो। तो भाई लोग, 110 की स्पीड तक जाता है यार। इन्होंने बोला चलो रेस कर लो भाई, मैं उसके साथ रेस। यार भाई गया यार। हमारे पास ना वैसे सिंगल ब्रेक है एक ही, तो ट्रैफिक में थोड़ा स्लो तो लेंगे अपन। अरे भाई क्या है यार ये भाई, अरे भाई दिखाई नहीं दे रहा मेरे को यार, कसम से भाई। पिकअप देखो यार इसका, ओ भाई यार कसम से भाई, 110 तक जाता, देख लो भाई सो गया ये। 90 किलोमीटर का एवरेज देगा ये वैसे इस स्पीड में। ओ भाई 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 भाई, भाई मैं भी यही लेके आने वाला हूँ भाई, कसम से भाई लोग। ये देखो पूरा एकदम 107-108 देख लो, मेरी स्पीड चल रही है 103 तक, 103-104-105 तक, तो भाई 110 तक जाता है ये। वाह वाह भाई, मजा आ गया कसम से भाई। भाई रेस के लिए बोल रहा है यार, बताओ भाई इसके साथ में हमें रेस करानी पड़ रही है भाई, कसम से यार। मान गए गुरु यार आपको, मैं यही वाला लेके आने वाला हूँ, ना कुछ खर्चा हो ना कुछ, और कोई फ्यूल की टेंशन नहीं, कोई और नहीं, बस मस्त लेके घूम जाओ भाई। देखो एक बार देखो, इतना सा है, इतना सा तुच्छू मुच्छू सा, और भाई कहाँ जा रहा है ये। भाई यार कसम से, पूछने तो दो यार हमको भाई, वो हाथ ही नहीं दे रहा है मेरे को बंदा। अब वो जाए जा रहा है, मैं उसके पास जा रहा हूँ और भाग रहा है। भाई अंदर की साइड से जाओगे आप? भाई इसकी प्राइस क्या पड़ी आपको? प्राइस ऑन रोड फिक्स, एकदम फिक्स रेट है 1,50,000 ओनली, एकदम फिक्स रेट है ये बोल रहा हूँ, एकदम से फिक्स रेट है। पूरे 1.5 लाख दिए हैं भाई, मजे ले रहे हो पूरे 1.5 लाख के एकदम से? गलत चीज़ के लिए नहीं दिए आपने, गलत चीज़ के लिए नहीं दिए, सही चीज़ है। स्प्लेंडर से आगे चले जाओगे आप तो? स्प्लेंडर से भी आगे निकल जाते हो? हाँ, कंपटीशन ही नहीं है। ओ भाई मैं भी लेके आऊंगा ये। तो भैया बोल रहे हैं कि स्प्लेंडर से हमने रेस लगा के देखी, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। भाई ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटी है हमारी ढाणी में सिर्फ एक, जो अभी काम पे खड़ी है। हमारी जो केटन टूटी थी ना, उसी टाइम पे टूटी थी, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ गया, बट बंदे के पास में इतने पैसे नहीं है। ये देखो दो दो पापा की परियां।
तो भाई लोग फाइनली हम लोग जो है हॉस्पिटल के एकदम से पास पहुंच चुके हैं। तो ये सर्किल के थोड़े से आगे चलते ही हॉस्पिटल आएगा, उसमें चलते हैं अभी मस्त और टेबलेट्स वगैरह लेके चलते हैं। तो हॉस्पिटल का नाम तो मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं है, बट उसका डॉक्टर को बावलिया बावलिया ऐसा कुछ बोलते हैं शायद से, पता नहीं क्या बोलते हैं केडी यार डॉक्टर मील शायद से, अब कौन सा मील है अभी याद नहीं आ रहा है, विड्डी मील, हाँ मिड डी मील है विड्डी मील पता नहीं। ये आ गया, ये देखो यहाँ पे पूरे बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं ना, ताऊ ताऊ सारे, तो इनसे अभी लेते हैं यहाँ से नीचे पट। और मेरे पैर में पेन हो रहा है तो आगे की साइड में पार्क करते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो चलो आप अंदर चलते हैं, इतनी सारी भीड़ है। अभी हमारा 55 नंबर आएगा तो मैं उसको मोबाइल में डायल कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता है, मोबाइल में मस्त स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। अभी 55 पे नंबर आएगा तो क्या करें, यहाँ पे कहीं बैठने की लोकेशन भी नहीं है, मेरे पैर में दर्द भी हो रहा है तो वेट ही करना पड़ेगा, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी कैमरे को ऑफ करते हैं और डॉक्टर साहब से मिलने के बाद में मिलेंगे आपसे बाहर। तो फाइनली अब जाके हमें टेबलेट्स मिल चुकी हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:04। तो सोच सकते हो भाई लोग अपन आए थे यहाँ पे 12 बजे के समथिंग, 11:30-12 बजे, और भाई लोग यहाँ पे 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद में जाके अब हमें दवाइयाँ मिली हैं और अब हम यहाँ से जाएंगे। फिर मैं इसको डिफेंस में छोड़ के आऊँगा और उसके बाद में मैं बाइक के काम के लिए जाऊँगा और वहाँ पे देखते हैं क्या सीन होने वाला है। भाई लोग आज पूरा खोपड़ा ख़राब हो गया हमारा, बाहर बारिश भी हो रही है तो हो सकता है मेरे को रुकना पड़े क्योंकि मैं भीग नहीं सकता। ओ शिट, अब यहाँ से दवाइयाँ लेनी है, बस यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर चलते हैं। तो फाइनली अब जाके यहाँ पे आए हैं और भाई कसम से मेरा पैन हो रहा है गंदा वाला पैर में, बहुत देर हो गई मेरे को एक ही जगह पर रुकी हुई है। ओ भाई 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 कसम से भाई, तो कीचड़ कीचड़ हो रखा है पूरा। ये देखो बाइक किसी ने यहाँ पे लग के लगाई है प्रॉपर। कोई जगह तो वो नहीं जा आ रही, ओ भाई। फाइनली भाई लोग बारिश तो रुक चुकी है बट मेरे को लग रहा है कैमरे में आज पानी बढ़ गया और मेरे पैर पे भी भाई बहुत ज़्यादा लगी है यार। और इसमें तो यार पता नहीं बार बार मैं ये बोले जा रहा हूँ दर्द हो रहा है तो हो रहा है बस खत्म यार, क्या सुनाऊँ मैं आपको बार बार। और हाथ में दर्द होने लगा यार, इस पर पानी लग गया है, बहुत गंदा पेन हो रहा है और मेरे को मना किया था यार कि पानी नहीं लगाना है इसको, पर अब क्या करें भाई लग गया तो लग गया। ये देखो भाई छपरी, ओह छोड़ दे। भाई मेरा छोटा भाई मेरे लिए हेल्प कर रहा है, मैं गुस्से में उसको डांट दिया मैंने फालतू में। भाई ये जो है ना यहाँ पे ये टच हो रहा है अब एक्सीडेंट होने के बाद में, पहले इस साइड से नहीं होता, देख लो इतना स्पेस रहना चाहिए इसमें। ओह ऐ जुगाड़ लगा रखा है जुगाड़, चौंसठ हजार। तो भाई लोग यार मेरा चारों ओर पैन होने लगा, पता नहीं क्यों यार बारिश का पानी लगता है ना मेरे को एकदम से दर्द हो रहा है। अबे क्या भाई क्या प्लेन बना रहे हो, उड़ा रहे हो सबको। भाई लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है ना, देखो सारे बच्चे मेरी तरफ ही देख रहे हैं। पाँच सौ
तो भाई लोग कांड हो गया है, ये यहाँ से मैंने सोचा था सिर्फ ये टूटा है, सिर्फ ये नहीं टूटा है, जबकि ये जो पूरा है ना, ये पूरा यहाँ से टूट गया। और ये जो पाइप वाइप थी ना जो ऊपर से आती हैं, ईबीएस वाले जो मोटर वगैरह से कनेक्ट होती हैं, वो सारे सब कुछ टूट गए। तो भाई ये पूरा न्यू डलेगा, ये तो हम नहीं डलेंगे भाई, इस पर तो सिर्फ स्टिकर्स लग जाएंगे फिर से कोई भी। और बाकी देखते हैं ये पाइप वाइप नहीं डलती कि क्या होगा, अभी सारा सब कुछ जॉब कार्ड वगैरह बनाते हैं, बाद में देखते हैं, बाहर जा कर बताएंगे आपको क्या सीन होता है। और तो कुछ टूटा नहीं है इसमें। तो फाइनली भाई लोग मैं जो है अभी एजेंसी से बाहर आ चुका हूँ, और अभी मैं बता दूँ अब मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा लेट तो हो गई मेरे को, बट अब मैं सब कुछ बता देता हूँ। मेरा मूड ऑफ तो हो रखा है, फिर भी ट्राई करूँगा खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करने की और आप लोगों को अच्छे से बताने की। तो अब बताता हूँ, मैं वहाँ पर बैठा था, अभी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि मैंने अभी वो वाला डलवा लिया नीचे से, तो उस पर पैर रखा है। अब मैं बता दूँगा भाई लोगों को बाइक में कितना लॉस हुआ है। तो बाइक में साइड पैनल को लगाओगे तो कम से कम साइड पैनल होगा मेरे हिसाब से कितने रुपए का आता है, पता नहीं शायद 2700-2800 का आता होगा, तो 3000 इसका मान लो ठीक है सर्विस चार्ज जोड़ के। और 3000 रुपये का एक पाइप है इसमें वो कट हो गया, तो मतलब 6000 रुपये हो गए। और उसके बाद में जो ब्रेक वाला है उसका प्रेशर वाले का पता नहीं है कि वो ख़राब हो गया नहीं, उसका बाद में पता चलेगा, वो डालने के बाद में हो सकता है 3000, वो मतलब 9000 रुपये हो गए। स्टीयरिंग वाली पाइप डाली है, इसके 800 रुपये लिए इन्होंने, मतलब सर्विस चार्ज वगैरह सब कुछ जोड़ के, तो टोटल समथिंग 10000 भाई एक बिल्ली जा रही है 10000 पे, ठीक है। और फिर अब अभी तो पूरा सामान नहीं था, तो एक बार फिर से आना पड़ेगा, तो 500 रुपये का पेट्रोल मान लो, ठीक है। अब भाई सोच सकते हो आप लोग बिल्ली करना और ये सब सीखना कितना ज़्यादा वो होता है, यदि आप बिना किसी गुरु के ये सब सीखते हो तो यही सीन है भाई लोग, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। अभी मेरे को तो मैंने बोला था ना चुल थी कीड़ा था मेरे तो इसने बोला कि भाई मैंने तेरे को इतनी मेहनत से इतने अच्छे ब्रेक जो है वो करके दिए थे भाई, कसम से भाई इतना ना ये सब प्यार से जो चीज़ करते हैं ना, वो आप कितने भी रुपये दे दो इनको, ये लोग नहीं करेंगे यार, कसम से भाई लोग ये किसी को ना अपने पास नहीं बैठने देते। बट मैं फिर भी भाई के पास में बैठा रहता हूँ जितने देर तक ये काम करता, मैं इसके साथ में बात करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई से ना बात करके, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब मैं इन लोगों के साथ में बैठता हूँ ना भाई, मेरे को अलग ही कसम से अलग ही सुकून मिलता है यार। भाई इस बस को जाने देते हैं पहले, बस वाले जो हैं ये ध्यान नहीं देते हैं। और भाई तो सब लोग ना मेरे को एक चीज़ बोलने लगे कि यार ये बाइक ना तुम्हारे लिए पनौती है, बट भाई लोग ये मेरी फर्स्ट बाइक है यार, मेरा इसको बेचने के लिए ना ये और कौन चल था, तो भाई को पानी पूरी खानी है तो किसी अच्छे से पानी पूरी वाले के पास में जाएंगे और उससे प्लेट वगैरह बनवाएंगे, अभी काफ़ी भूख वूख लग चुकी है क्योंकि आज हमने खाना वाना नहीं खाया। तो जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि हाँ सब लोग मेरे को ये बोलते हैं कि ये बाइक तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये बाइक बेच दो, तो भाई एक चीज़ बताओ, कोई बंदा अपनी जो एक ड्रीम बाइक हो, पहली ड्रीम बाइक हो, आप लेके आओ किसी भी तरह आप मेहनत करके, तो वो बंदा कैसे बेच सकता है? मुझे ज़रूरत तो नहीं है भाई, कसम से मैं ऐसे भी घूम सकता हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा, बट इस बाइक से ना मेरे को एक तरीके से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। ये बाइक मेरे साथ रहती है ना, मेरे को किसी चीज़ की कमी फील नहीं होती, कितना भी कुछ भी करवा दे ये भाई मेरे को, बिकवा दे तो भी एक बार के लिए नहीं लगेगा। पर भाई सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, और मेरे को लगता है कि यार ये बाइक ना मेरे को कभी नहीं सेल करनी चाहिए, घर वाले तो ये बोलते हैं कि इसको एक साइड में खड़ी कर दे, पर भाई पता नहीं यार क्या सीन है, सब लोग इतना लोग बोल रहे हैं यार तो होगा भाई, मैं नहीं मानता इन सबको, बट फिर भी मजबूर हो रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, और मैं थोड़ा सा माखा डेढ़ा रखा हूँ और बाल वाल पर ध्यान मत देना, हालत आपको पता ही है मेरी कैसे चल रही है। सो भाई लोग वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं बोलना चाहूँगा आपको कि बाइक में जितना खर्चा था मैंने सारा सब कुछ बता दिया 10,000 के समथिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शुरू में मैंने ये सारा सब कुछ क्यों नहीं बताया कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, तो मैं पहली बात तो कुछ भी प्लान्स करके नहीं चलता, दूसरा जो भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए थे सारों में ऑडियो वगैरह की क्वालिटी ख़राब हो रखी है, मुझे नहीं पता ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, कभी GoPro की बैटरी डेड हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, किस्मत साथ ही नहीं दे रही है भाई लोग मेरी, बिल्कुल भी नहीं दे रही है, बट कोई नहीं अपन मेहनत करेंगे, किस्मत के भरोसे नहीं रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही भाई लोग, और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, दूसरे दिन अभी 9:12 है, मुझे नहीं पता 11-12 बजे तक शायद से आ जाएगा, सो सॉरी उसके लिए थोड़ा सा लेट है, एक दिन लेट हूँ मैं पूरा ट्राई किया था, बट मैं रात को बहुत लेट तक पहुँचा और खाना वाना खा के सो गया क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बट अब मैं ठीक हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और वो बोलते हैं ना बिहाइंड द सीन, वैसे ही घरवालों ने ज़्यादा टाइम पर क्या क्या बोला वो अब आप सुन सकते हो, सो आप भी समझ जाओगे मेरे को कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।